उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शुक्रवार को बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई इलाकों में फसल को नुकसान हुआ। राजधानी लखनऊ में कई इलाकों में जहां बारिश देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर से सोनभद्र तक ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश के कारण मुसीबतें देखने को मिली हैं। गाजीपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां तमाम किसानों ने खेत में हो रही ओलावृष्टि और बारिश के कारण यहां पर अपनी फसल को बड़ा नुकसान होना बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ऐसे किसानों की मदद करनी चाहिए जिनकी फसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई है। गाजीपुर में बृहस्पतिवार को जहाँ दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहे, वहीं शुक्रवार को सुबह बादल छाने के साथ ही तेज हवाओं और बरसात होने के बाद किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बताते चले कि गेहूं की फसल ज्यादातर तैयार हो गई है और खेतों में कटने वाली है, या ज्यादातर किसान फसलों को काट करके खेत में सूखने के लिए फैलाए हुए हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों पर अगर निगाह डालें तो पूरे जनपद में 1500 हेक्टेयर तिलहनी फसलें बोई गई हैं, वहीं दलहनी फसलों का आंकड़ा 20,000 हेक्टेयर का है और 1,32,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बुआई हुई है। बताएं कि पिछले दिनों, लगभग पिछले हफ्ते ही की बात है कि 7 mm बरसात दर्ज की गई थी और तब तेज हवाओं ने ज्यादातर गेहूं की फसल को खेतों में गिरा दिया था। अब वैसी ही कमोबेश स्थिति है, किसान बेहद परेशान हैं। इसके बीच कृषि विभाग का यह कहना है कि जिन किसानों के खुद की जमीन है और जिनकी फसल खराब हुई है, उनके लिए तो सरकारी योजनाओं के तहत अनुदान मिल सकता है, लेकिन जो लीज या लगान पर लेकर के खेती कर रहे हैं किसान, उनके लिए कोई बहुत राहत भरी बात नहीं है, क्योंकि कृषि विभाग ऐसे किसानों की जो फसल खराब हुई है उस पर किसी तरह का कवर अप फिनेंशियल नहीं देगा, यानी कि किसी भी तरह के सरकारी अनुदान की मदद उन्हें नहीं मिलने वाली है। कृषि विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम कमोबेश बना रह सकता है।